हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में सॉयल एक्सप्लोरेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा जो सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 1892 के कोडल प्रोविजंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी मैं यहाँ पर एलेबोरेट करूंगा, सो दैट इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है दैट इज प्लानिंग अ सब सॉयल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा सॉयल एक्सप्लोरेशन है इसका मतलब क्या है। सॉयल एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि सपोज आपको कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो जो उसका फाउंडेशन होगा, जिस भी लेवल पे आप अपने फाउंडेशन को रख रहे हैं, मान लेते हैं ये फाउंडेशन है आपका, तो इस फाउंडेशन को जिस भी लोकेशन पर आप रख रहे हो या जिस भी डेप्थ पर आप ग्राउंड लेवल से आप प्लान कर रहे हो, तो आपको सर्टेन डेप्थ तक बिलो द फाउंडेशन आपको सॉयल की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना होगा, जिसे हम सब सॉयल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और पर्पस क्या होगा हमारा, जो सॉयल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करना, जिस भी साइट पर आप वो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने वाले हो, और हमारी जो वाटर टेबल है उसका क्या फ्लक्चुएशन है, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम सॉयल एक्सप्लोरेशन में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जब भी हम सब सॉयल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम प्लान करते हैं किसी भी बिल्डिंग के लिए, उसमें पहला कंसिडरेशन है हमारा डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन और दूसरा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है हमारा लेटरल एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन। अब डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन का हमारा ये मतलब है, सपोज हमने लोकेशन फिक्स कर ली कि हमारी फुटिंग्स कहाँ कहाँ आ रही है, हमारा फाउंडेशन कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो हमें फुटिंग के नीचे कितनी डेप्थ तक हमें सॉयल एक्सप्लोरेशन करना है। ठीक है, मीन सॉयल सैंपल्स कलेक्ट करने हैं या हमें सॉयल का जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो देखना है, तो उस डेप्थ तक हमें जाना है जहां तक हमारा जो स्ट्रक्चरल लोडिंग है, जो भी एक्सटर्नल लोड्स हमारे स्ट्रक्चर पे एक्ट कर रहे हैं, जो फुटिंग के थ्रू सॉयल में ट्रांसफर हो रहे हैं, उन स्ट्रक्चरल लोडिंग की वजह से हमारा कितनी डेप्थ के बाद हमारा सॉयल पर कोई भी डैमेजिंग इफेक्ट नहीं है, मींस हमारा जो सेटलमेंट है या सॉयल का शियर फेलियर है वो हमारा इनसिग्निफिकेंट हो जा रहा है। ठीक है, सपोज अगर हम यहां पर एक स्क्वायर लोडेड फुटिंग ले लेते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चरल लोडिंग जो आपको ये दिख रहा है क्यू, दिस इज द स्ट्रक्चरल लोडिंग जो स्ट्रक्चर के थ्रू हमारा सॉयल में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, और यहां पर जो डीएस इक्वल टू 1.5 लिखा है ये हमारी यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज द सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, तो ये हम पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं बेस्ड ऑन कि हमने अपनी डेप्थ ऑफ फुटिंग किस लोकेशन पर डिसाइड की है और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी स्ट्रक्चरल लोडिंग आ रही है उसकी वजह से जो हमारा आइसोबार है यहां पर 20% ऑफ दी लोड इंटेंसिटी, जो हमारा कॉन्टैक्ट प्रेशर डेवलप हो रहा है फुटिंग पर, तो 20% लोड इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग ये देखा गया है कि जब आप आइसोबार ड्रॉ करोगे तो हमारा जो डेप्थ आएगी वो आएगी 1.5 टाइम्स दिस विड्थ ऑफ द फुटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो जोन होगा सॉयल का अप टू 1.5 मीटर 1.5 टाइम्स द विड्थ ऑफ द फुटिंग, उस पोर्शन में हमारी जो सॉयल होगी वो हमारी स्ट्रेस्ड रहेगी, और उसके बाद जब आप इस डेप्थ के नीचे जाओगे तो हमारा जो सेटलमेंट या शियर फेल्योर होने के चांसेस हैं ड्यू टू स्ट्रेसेस जो कि स्ट्रक्चरल लोडिंग के थ्रू सॉयल में आ रहे हैं वो हमारे इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो हमारा जो इंटरेस्टेड डेप्थ रहेगी जिसमें हमें अपने सॉयल की करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है कि एडिक्वेटली हमारी जो सॉयल है वो स्ट्रक्चर लोडिंग को
बियर कर ले। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है द डेप्थ एट विच स्वेल डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, दिस डेप्थ इज टर्म्ड एज सिग्निफिकेंट डेप्थ। दिस डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन बिलो द फुटिंग अप टू दिस लेवल इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन। अब हमारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन है रहेगी वो कितनी रहेगी, तो वो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो सबसे पहले हमारा इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा किस टाइप का स्ट्रक्चर हम प्रपोज कर रहे हैं। हमारा स्ट्रक्चर का जो वेट है, हमारा स्ट्रक्चर का डायमेंशंस है यानी शेप एंड साइज ऑफ द फुटिंग, और हमारा लोडेड एरिया में जो डिस्पोजिशन है वो क्या है। मींस अगर हमारा सपोज आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो जो हमारे कॉलम्स अगर आ रहे हैं तो उनका डिस्पोजिशन क्या है, उनके बीच की स्पेसिंग कैसी है, तो इस पर भी ये डिपेंड करेगा। दिस इज कॉल्ड द डिस्पोजिशन ऑफ द लोडेड एरिया। ये टोटल हमारी लोडेड एरिया है और यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे कॉलम्स आ रहे हैं, तो इन कॉलम्स का हमारा क्या डिस्पोजिशन है उस पर्टिकुलर लोडेड एरिया में, इस पर भी हमारे सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन डिपेंड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमारी सॉइल की प्रोफाइल है और जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उस पर भी हमारा डिपेंड करेगा, जिसके बेसिस पर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो टाइप ऑफ फाउंडेशन रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चरल लोडिंग एंड हमारी सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स, डिस्पोजिशन ऑफ लोडेड एरिया, हम अपना टाइप ऑफ फाउंडेशन डिसाइड करते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड 1892 कोड है, जो बेसिकली हमारा सॉइल एक्सप्लोरेशन के मेथड्स एंड जो ऑल रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं फाउंडेशन डिजाइन से रिलेटेड, वो हमारे गवर्न्ड होते हैं। तो IS 1892 ने जो सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन दी है वो हमारे 3 थंब रूल्स पर बेस्ड है। इसमें पहला थंब रूल ये कहता है कि डेप्थ वेयर नेट इंक्रीज इन वर्टिकल प्रेशर बिकम्स लेस देन 10% ऑफ द इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर। दूसरा पॉइंट ये जो मैक्सिमम डेप्थ है रीच्ड बाय द प्रेशर बल्ब और आइसोबार, जो भी हमारा कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस की वजह से जो हमारा आइसोबार बन रहा है करस्पॉन्डिंग टू लोड इंटेंसिटी 1/5 और 1/10 ऑफ द सरफेस लोडिंग इंटेंसिटी या 20% ऑफ द इनिशियल लोडिंग इंटेंसिटी टू 10% ऑफ द लोडिंग इंटेंसिटी। मैंने अभी ऊपर बताया था कि 20% ऑफ द लोडिंग इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग ये देखा गया है कि हमारी स्क्वायर लोडेड फुटिंग्स में हमारी जो डेप्थ आती है वो बिलो द फाउंडेशन 1.5 टाइम्स द विड्थ ऑफ द फुटिंग आती है, ठीक है। इट मे बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स टू 2 टाइम्स द विड्थ आर स्मॉलर लेटरल डायमेंशन ऑफ द लोडेड एरिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि हमेशा स्मॉलर लेटरल डायमेंशन लेनी है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो डिस्पोजिशन है लोडेड एरिया में वो फुटिंग्स का कैसा है। तो उसके बेसिस पर हमारी जो IS 1892 की गाइडलाइंस हैं वो मैंने यहाँ पर टेबुलेट की हैं, जिसमें डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फाउंडेशंस हमारी डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन रखी गई हैं। सबसे पहला हमारा जो टाइप ऑफ फाउंडेशन है दैट इज आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग आर रैफ्ट। तो वहां पर हमारी डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन 1.5 टाइम्स द विड्थ ऑफ द फुटिंग है। सपोज यहां पर अगर हम एक फुटिंग अज्यूम कर लें, दिस इज द फुटिंग, दिस इज आइसोलेटेड फुटिंग, राफ्ट भी हो सकता है, इसकी विड्थ मान लेते हैं कि इट इज बी, और जिसका अगर हम प्लान देखें तो ये कुछ इस तरह होगा। फुटिंग का प्लान देख रहे हैं, यहां पर हमारी फुटिंग होगी और ये इसका बॉटम है फुटिंग का, इसकी जो विड्थ है वो बी है और जो इसकी लेंथ है परपेंडिकुलर टू विड्थ दैट इज एल, और यहां पर ये अगर हमारा जो एल है वो हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी है, तो इस केस में हमारा जो डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन है, मींस आप जिस भी डेप्थ पर ये हमारा अगर मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल है, आपने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिसाइड किया कि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो, तो जब आप जिस भी लोकेशन पे रखने वाले हो तो कितनी डेप्थ तक आपको सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करनी है कि हमारा सॉइल जो है दैट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग द शियर फोर्सेस एंड जो सेटलमेंट हो रहा है वो एक्सेसिव नहीं हो रहा है इस जोन में, तो उस डेप्थ
तक जाने के लिए जो डेप्थ तुम्हारी डिसाइड की है कोड ने, दैट इज 1.5 टाइम्स द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। तो ये ध्यान रखना है, आइसोलेटेड फुटिंग के लिए 1.5 टाइम्स द विड्थ ऑफ द फुटिंग हो गई, और ये स्मॉलर लेटरल डायमेंशन है हमारी, बिकॉज यहां पर जो लेंथ है वो हमारी बी से बड़ी है या उसके बराबर है। दूसरा केस है हमारा एडजेसेंट फुटिंग्स विथ क्लियर स्पेसिंग लेस देन 2b। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको डायग्राम में बताऊं आपको, तो इफ वी कंसीडर टू फुटिंग्स लाइक दिस, क्योंकि हमारी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें हमारे कॉलम्स उस दूरी पर होते हैं, तो इनके बीच में अगर हम ये मान लें कि जो स्पेसिंग है वो हमारी ए है और इनकी जो फुटिंग की विड्थ है वो हमारी बी है, तो हमारा कोड ये रिकमेंड करता है कि अगर हमारी ये स्पेसिंग जो है वो हमारी लेस देन 2b है, यानी 2 इज द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, तो उस केस में आपको जो डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन लेना है वो 1.5l लेना है, मींस दिस डायमेंशन फॉर द डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। और अगर हमारी जो विड्थ जो स्पेसिंग है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4b है, तो हमारी 1.5 टाइम्स दी विड्थ लेनी है। इस केस में जब हमारी दो फुटिंग्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ जाएगी तो हमारे जो आइसो बार्स का जो ओवरलैपिंग है वो खत्म हो जाएगा, इसी वजह से जो फुटिंग्स होंगी वो इंडिपेंडेंट बिहेवियर हो जाएगा, और इसी वजह से वापस से हम 1.5 टाइम्स दी विड्थ ऑफ दी फुटिंग लेंगे। यहां पर क्या होगा, हमारा जो स्ट्रेस ओवरलैप, ठीक है, तो यहां पर स्ट्रेस ओवरलैप होने की वजह से हमारा जो गवर्निंग डायमेंशन है वो 1.5 टाइम्स दी एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे दिस इज टेकन एज 1.5 l जब हमारी जो स्पेसिंग है यानी ए है दैट इज लेस देन 2b। थर्ड हमारा केस है पाइल फाउंडेशन में, हमारा दिस इज टेकन एज 10 टू 30 मीटर और 1.5 b व्हिच एवर इज ग्रेटर। रिटेनिंग वॉल का जो बेस होगा, जब आप रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करने वाले हो तो आपको 1.5 टाइम्स द बेस विड्थ या 1.5 टाइम्स द एक्सपोज्ड हाइट ऑफ द वॉल फेस। इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई रिटेनिंग वॉल लेते, मान लेते हैं कि दिस इज रिटेनिंग वॉल, ये हमारी बैकफिल है, ये हमारी फ्रंट पोर्शन है, तो ये हमारी एक्सपोज्ड हाइट होगी और ये हमारी टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल की विड्थ होगी। तो इसका 1.5 टाइम्स दी विड्थ और इस 1.5 टाइम्स दी एच वैल्यू में जो ग्रेटर होगा दैट इज टेकन एज दी डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन बिलो दिस फाउंडेशन ऑफ दी रिटेनिंग वॉल। और अगर हमारा फ्लोटिंग बेसमेंट है तो हमारा जितनी डेप्थ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उतनी ही डेप्थ हमें उसके नीचे जानी होगी एक्सप्लोरेशन के लिए। डैम्स के केस में हमारा 1.5 टाइम्स ऑफ बॉटम विड्थ ऑफ द अर्दन डैम्स, 2 टाइम्स ऑफ द हाइट फ्रॉम द स्ट्रीम बेड टू क्रेस्ट फॉर कंक्रीट डैम्स, फॉर डैम्स लेस देन 30 मीटर। और इन जनरली हम अप टू बेड रॉक तक जाते ही जाते हैं, बिकॉज डैम हमारा जो स्टेबिलिटी हमें श्योर करनी होती है, तो हमारा जो इस डीपेस्ट बेड रॉक का लेवल है वहां तक हमें जाना है। उसके बाद हमारा है रोड कट्स एंड रोड फिल्स। रोड कट्स का मतलब यह है कि जब आप कटिंग पे रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो लाइक दिस, आप जो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो यहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो दिस इज रोड इन कटिंग, तो उस केस में जनरली हमारे जो कोड में सजेस्ट किया है वो डीप कट्स के लिए सजेस्ट किया है, तो उस केस में हमारा अगर इसकी जो बॉटम विड्थ है वो बी है और डेप्थ ऑफ कट जो है स्मॉल डी मान लेते हैं, तो आपको डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन जो रखनी है यानी कैपिटल डी, दैट इज टेकन एज विड्थ और डेप्थ ऑफ कट विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है। ये हमारा थर्ड आइटम जो है, दिस इज गवर्न बाई IS 1892 के प्रोविजन से दिया गया, एंड दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस गाइडलाइन जो कि फील्ड में हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। बट कोड ने हमारा सिर्फ और सिर्फ दिया ये वाली वैल्यूज है, तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है रोड कट के लिए डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, तो आप बी आर डेप्थ ऑफ कट विच एवर इज लेस ग्रेटर, ये आपको करेक्ट मानना है। रोड फिल का मतलब ये है कि आपका नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल है उस पर आप मिट्टी की फिलिंग करके उसके ऊपर आप रोड बना रहे हो, तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ रोड फिल, ठीक है। तो इसके केस में अगर मान लेते हैं कि हमने आप फिलिंग की कैपिटल एच, तो उस केस में आपका
एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से 2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल या हाइट ऑफ द फील्ड विच एवर इज ग्रेटर, यानी हाइट ऑफ फील्ड या और 2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल में जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो आपको डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन लेना है। और यहां पर लिखा हुआ है कि जो बी और एल है दीज आर द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द फाउंडेशंस, ठीक है। और ये हमारा जो डायमेंशनिंग की हुई है यहां पर एडजेसेंट रोज ऑफ फुटिंग, मींस जब भी आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करोगे तो ये प्लान दिया हुआ है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिंग, ये हमारी एडजेसेंट फुटिंग्स के बीच में स्पेसिंग है, अगर लेस देन 2b है तो डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन जो लेना है आपको इस पूरे एंटायर सिस्टम के लिए वो 4.5 टाइम्स दी विड्थ लेनी है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिंग ऑफ द एडजेसेंट फुटिंग्स, जब हमारी सीरीज होंगी एडजेसेंट रोज ऑफ फुटिंग्स होंगी तो एंटायर एरिया के लिए जो डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन लेना है वो ये लेना है, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हमारी फुटिंग्स जो है वो एडजेसेंट रोज में है। उसके बाद आते हैं लेटरल एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन, ऊपर जो मैंने बात किया वो बताया कि आपको प्रपोज लेवल ऑफ फाउंडेशन से कितने नीचे तक जाना है, ठीक है, फॉर कलेक्टिंग दी सॉयल प्रोफाइल एंड सॉयल प्रॉपर्टीज, सो दैट जो हमारा सॉयल हमारी सब सॉयल एग्जिस्ट कर रही है दैट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग दी शियर स्ट्रेसेस एंड एक्सेसिव सेटलमेंट नहीं हो रहा है। लेटरल एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि जब आप सर्वे कर रहे हैं तो आपको जो डिस्पोजिशन रखना है कहाँ किस किस कितनी बार कितनी लोकेशंस पे आपको सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, मींस अगर बोर लॉग आप बोर होल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो फॉर टेकिंग आउट द सैंपल, तो सपोज जैसे अगर आप हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो जो हमारी प्रोफाइल है आपने डेप्थ तो डिसाइड कर लिया डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन से, बट आपको कितनी दूर पर सैंपल्स लेने हैं तो दैट इज लेटरल एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो हाईवेज के केस में सपोज अलोंग द सेंटर लाइन हर 150 से 300 मीटर पे आपको एक बोर ब्लॉक से आपको डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन तक सैंपल लेना होगा। अगर आप कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हो तो सभी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे आपको 10 से 30 मीटर की स्पेसिंग में आपको सैंपल लेना है। जो लेस इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है वहां पर आपका सपोज आप ये कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसके सेंटर पे आप एक बोरलॉक से आप सैंपल ले सकते हो। अगर आप डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको पूरे एंटायर एरिया में 40 to 80 meter स्पेसिंग में आपको बोरलॉक डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारी जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि फील्ड में अप्लीकेबल होती हैं, एंड दीज आर नॉट स्पेसिफाइड इन IS 1892, बट आपको जस्ट ध्यान रखना है, कभी कभी आपके SSC JEE वगैरह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन डिस्कस करूंगा, जो कि सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।